आखिरी बार अचेलिया सामने आ गई थी और एरन को गोली मार दी गई थी। सबको बस अचेलिया की खबर मिली कि वो जिंदा वापस आ गई है। लड़कियां दौड़ी चली आती है उसके घर। जेसुल से पूछती है, क्या ये सच है? क्या वो जिंदा है? जेसुल कहता है, अंदर तुम लोगों का वेट कर रही है वो। सब अंदर जाके अचेलिया को देखते हैं। अचेलिया पीछे मुड़ती है और सब हैरान कि जिसको मरा हुआ सोचा था वो जिंदा सामने खड़ी है। अचेलिया कहती है, मैं जिंदा हूँ, मिस किया मुझे? सेलिन उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम ही ए हो ना? बाकी लोग उसे रोकते हैं। अचेलिया कहती है, तुम्हें खबर नहीं है अभी तक? ये लोग पूछते, कौन सी खबर? अचेलिया कहती है कि ए कौन है, तुम्हें नहीं पता? ये लोग हैरान होते हैं तो अचेलिया उन्हें बताती है पूरी बात। इधर गुवेन दौड़कर कमिश्नर के पास आकर इमोशनल होकर पूछते हैं कि क्या ये सच है? क्या वो जिंदा है? मुझे प्लीज़ 2 मिनट के लिए उससे मिला दे। कमिश्नर उससे पूछते हैं कि आप इतने देर कहाँ थे गुवेन? गुवेन कहते हैं कि थक के सो गया था गाड़ी में। तो अब तक अचेलिया कहाँ थी? अब यहाँ थोड़ा सीन्स चेंज होता रहता है, जैसे एक बार गुवेन का सीन, एक बार अचेलिया का सीन, पर हर इन्फॉर्मेशन सबको पता चलती है। इधर अचेलिया बताती है कि जिस दिन मैं गायब हुई थी उस दिन दरअसल मैं किडनैप हुई थी। ये लोग शॉक्ड पूछते, किसने किया था? अचेलिया कहती है, मेरे भाई ने। ये लोग पूछते, जसुर? अचेलिया कहती है, नहीं, मेरा एक भाई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इधर कमिश्नर गुवेन को बताता है कि एरन अचेलिया का भाई है। गुवेन कहते हैं, पता है मुझे। कमिश्नर कहते हैं, ओह ऐसी बात है। गुवेन कहते हैं, अपनी बहन के कातिल को ढूंढने के लिए उसने मेरी हेल्प ली थी। कमिश्नर कहते हैं, फिर तो उसने तुम्हें भी उल्लू बना दिया। उसने अचेलिया को किडनैप किया था, उसने उसे 1 साल तक बंद रखा। लड़की को मौका मिलते ही वो भाग गई, पर रोशनी से उसे डर लगने लगा इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाई। गुवेन शॉक्ड, यानी जिसे मदद चाहिए थी वही गुनहगार निकला। कमिश्नर कहता है, अचेलिया ने कहा उसे किसी अपने पे ही शक था। ये सब बातें अचेलिया ने लड़कियों को भी बताई। आसली कहती है, एरन तुम्हारा भाई है? अचेलिया कहती है, यानी मेरे मॉम का एरन के डैड के साथ चक्कर था। मेरे असली डैड एरन के डैड है। ये बात छिपाई गई और मैं आज तक सोचती आई कि जेसुर किसी और बाप का बेटा है। वेट, यानी आज तक हमें लग रहा था कि जेसुर अचेलिया की अम्मी और सेलिन के डैड का बेटा है, पर उस रात सेलिन की अम्मी ने जेसुर से इस बात को क्लियर किया था, यानी वो बात यही है। एनीवेज, अचेलिया कहती है, एरन को इस बारे में पता चल गया और उसने मुझसे कांटेक्ट किया। मुझे भी पता चला तो हम दोनों चोरी छुपे बात करने लगे ताकि किसी को मेरे राज का पता ना चले। एरन मेरा भाई बनना चाहता था पर शायद ऐसा नहीं था। असली बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है, यानी इतना बड़ा सच। अचेलिया कहती है, उसके बाद से ही मुझे ए के मैसेजेस आने लगे। मुझे सब पर शक था, तुम लोगों पर भी, पर एरन पर बिल्कुल नहीं था। यानी वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ऐसा सोचना नामुमकिन है। इधर गुवेन पूछते हैं कि फिर वो डेड बॉडी अचेलिया की कैसे प्रूव हुई? यानी इतनी ऑटोप्सी और सब में यही लिखा था कि वो अचेलिया की बॉडी है। कमिश्नर कहता है, हमने उस डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जिसने टेस्ट किए थे। पता चला कि कार एक्सीडेंट में 2 महीने पहले मर चुका है। मुझे लगता है कि उसको सेट किया गया था झूठ बोलने के लिए, और जैसे ही काम हुआ तो उसे रास्ते से हटा दिया। हम कब्र फिर से खोदेंगे। इधर अचेलिया कहते हैं, मैंने पहली बार किसी पे इतना भरोसा किया कि अपनी हर एक बात उसे बता दी, तुम लोगों के बारे में भी। हम सब के सीक्रेट्स के बारे में बता दिया मैंने, शायद इसलिए वो तुम लोगों से इतना ऑब्सेस्ड था और मैसेजेस में तुम लोगों के सीक्रेट्स को लेकर डराता था। असली कहती है, अजीब नहीं है? यानी वो हमें क्यों तंग करता था? तुम्हें उसने क्यों किडनैप किया? कोई गलती हुई होगी? वो हमारे जैसे ही ए को ढूंढ रहा था हमारे साथ, हमारी मदद करता था। अचेलिया कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है असली, एरन भाई बीमार थे। असली कहती है, यानी? सेलिन कहती है, उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, मुझे तोप्राक ने सब बता दिया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सेलिन को तोप्राक ने एरन की रिपोर्ट्स दिखाई। सेलिन शॉक्ड, ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तोप्राक कहते हैं, मैं भी हैरान हूँ। मुझे तभी शक हुआ था जब बारिश के मिलने से पहले मैं उसके घर गया और उसके टेबल पर हम सब की तस्वीरें बिखरी थी। उसने कहा, यह सब एक ही चाल है, फिर से किसी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। सेलिन को ताना लग गया। तोप्राक उसे कहता है, प्लीज़ एरन से दूर रहना, वो खुद ही नहीं जानता कि वो शायद खतरनाक है। तभी सेलिन को कॉल आती है कि अचेलिया जिंदा है। दोनों शॉक्ड हुए थे। प्रेजेंट में सब हैरान कि एरन को जहनी बीमारी थी। सेलिन पूरी बात समझाती है तो असली के होश उड़ जाते। कहती है, यानी एरन ए है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचेलिया कहती है, तुम्हारे और भाई के बीच कुछ था ना? असली कहती है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो सब झूठ था? अचेलिया कहती है, अच्छा हुआ कि तुम सब जान गई, वरना देर हो जाती और वो तुम्हें नुकसान पहुँचाता। इधर गुवेन कहते हैं कि कहाँ है एरन, उसे मैं मार डालूंगा। कमिश्नर कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या, एरन मर चुका है। गुवेन शॉक्ड। इधर असली को भी अचेलिया बताती है कि एरन नहीं रहा। असली शॉक्ड, बहुत बड़ा झटका लगता है उसे, रोने लगती है। ये लोग उसे संभालते हैं। असली पूछती है, क्या हुआ था उस वक्त, मुझे सब कुछ बताओ। अचेलिया कहती है, जब मैं वहाँ कैद थी मुझे पता नहीं था कि एरन ने ही ये सब किया है। बहुत दिनों बाद मुझे शक हुआ, मैंने पहले मौके पर ही उसे कॉल करके कहा कि मैं जिंदा हूँ, मुझे यहाँ से बचाओ। एरन ने जगह के बारे में पूछा तो मैंने बताया। एरन वहाँ आया और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं समझ गई कि उसी ने ये सब किया है। उसकी आंखों में हैरानी नहीं बल्कि ये ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब पता है। उसने मुझे वहाँ वापस बंद कर दिया। मैंने अपनी फ़ोन वहाँ छुपा के रखी थी, उससे मैंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ आई पर मैंने बंदूक चलने की आवाज़ सुनी। जब मुझे बाहर लाया गया तो एरन वहाँ पड़ा था।
आसली फूट फूट के रोती है। सेलिन कहती है, ऐसे कैसे पुलिस ने गोली मार दी? आचेलिया कहती है, पुलिस ने नहीं, किसी और ने मारा। एक मिनट, आचेलिया को अपने अगवा किए हुए एड्रेस का कैसे पता चला और फ़ोन कहाँ से मिला उसे? एनीवेज, इधर कमिश्नर गुवेन पर शक करते हैं कि उसी ने एरन को मारा है। यानी इतने दिन इतनी सारी बात छुपा के इतना सारा काम किया, ये करना भी मुमकिन है। गुवेन कहता है, अगर मुझे पहले पता चलता तो झटके में ही मार देता उसे, पर मैंने उसे नहीं मारा। कमिश्नर उससे सवालत करता है। गुवेन कहते हैं, वो अभी तक गाड़ी में सो रहा था। कमिश्नर गवाह मांगता है, पर कोई है ही नहीं। कमिश्नर बंदूक मांगता है टेस्टिंग के लिए। गुवेन दे देता है, पर नाराज़गी से कहता है कि टेस्ट करने के बाद बता देना कि मैंने ही उसे मारा कि नहीं। कमिश्नर गिल्टी फील करता है, पर वो भी मजबूर है। आसली का इधर मेंटल ब्रेकडाउन होता है। कहती है, एरन मेरे साथ था जब ए मैसेजेस करता था, कैसे हो सकता है वो ए? आसली आचेलिया पर गुस्सा करती है कि तुमने किसी और को देखा था, वो एरन नहीं है, तुम फिर से हमें धोखा दे रही हो। आचेलिया कहती है, काश ऐसा होता, मैं सबसे ज़्यादा खुश होती। आसली रो रो के पागल हो जाती है, सबको बहुत बुरा लगता है। उसे ऊपर रूम में रेस्ट करने ले जाते हैं। सेलिन आचेलिया से पूछती है कि एरन को किसने मारा होगा, कोई उसी का आदमी है शायद, पर उसके आदमियों को तो उसके बारे में पता ही नहीं होता है। आचेलिया कहती है, एरन का कोई साथी है जिसे उसके बारे में सब पता है, उसी ने उसका मुंह बंद करने के लिए मार दिया होगा। सेलिन कहती है, यानी अब भी एक खुला घूम रहा है, उफ़। आचेलिया कहती है, सब मेरी वजह से हुआ। सेलिन कहती है, क्या बोल रही हो? आचेलिया कहती है, मैं हूँ ही लानती, देखो मेरे जिंदा वापस आने पर भी मेरे दोस्त खुश नहीं है। सेलिन उसे गले लगा लेती है। आचेलिया कहती है, मैं बहुत डरी हुई थी, लगा कि कभी वापस आ ही नहीं पाऊंगी, मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए। सेलिन उसे माफ़ कर देती है। ऊपर आसली पागल होने लगी है, कहती है, मुझे जाने दो, वो मेरा वेट कर रहा है, ये लोग उसे रोक रहे हैं, वो फूट फूट कर रो रही है। एब्रो कहती है, रो लो जी, हल्का कर लो। आचेलिया कहती है कि आसली को मेरे साथ अकेला छोड़ दो। सबके जाने के बाद आचेलिया आसली से कहती है, तुम खुद से नाराज हो कि तुमने कैसे नहीं पहचाना उसे, पर एरन असलियत में वही है जिससे तुम प्यार करती हो, वो तो उसका दूसरा चेहरा है जिसे वो खुद ही नहीं जानता था। हम उस विलेन को ही दफनाएंगे, पर उस अच्छे एरन को अपने ही साथ रखेंगे। आसली चुप कर जाती है फाइनली। नीचे हांडे कहती है, आचेलिया थोड़ी ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही, यानी 35 की लग रही है। एब्रू कहती है, इतने दिन बंद रहकर ऐसा ही होना नॉर्मल है। तभी गुवेन आके पूछते हैं, सेलिन कहाँ है वो? आचेलिया आती है तो गुवेन कहते हैं, तुम सच में वापस आ गई मेरी जान, बोल के गले लगाते हैं। सब ये देख के हैरान होते क्योंकि इन्हें तो इन सब की खबर नहीं थी, उनको अकेला छोड़ देते। गुवेन कहता है, उसने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? आचेलिया कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, सारा दिन एक ही बात कर करके थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। गुवेन बार बार उसके लिए जुनून दिखाते हैं, पर वो आराम करने के लिए इसरार करती है। गुवेन उसे बहुत प्यार करके वापस आऊँगा कह के चला जाता है। आचेलिया को जैसे ये पसंद नहीं आ रहा। गुवेन के जाने के बाद आचेलिया लड़कियों से कहती है, मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। बाकी लड़की आकर उसके गले लगाते हैं। आसली भी आकर कहती है, हमने मिस किया तुम्हें। इधर जैनसेट तोपराक से कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि वो जिंदा है। तोपराक कहते हैं, पर उसने अपना ही जनाजा कैसे इतना रियल बनाया? जैनसेट कहती है, उससे कुछ भी उम्मीद किया जा सकता है। इधर पुलिस आचेलिया की कब्र खोदती है और वो लोग देखते हैं कि कोई लाश दफन ही नहीं है, कब्र खाली है। कमिश्नर शॉक्ड। ओके, फिलहाल यही तक, वीडियो खत्म।